मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी और सीएम सबसे पहले पहुंचे पोखरण। सभा स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी भी पोखरण पहुंची और इसके बाद जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। शेरगढ़ के सेखाला में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे के बाद लूणी के लूनवास भाकर में भी मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज सीएम एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ पूरे दिन भर में 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत जहां पोखरण पहुंचे और यहां सभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस को जिताने के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की और इसके बाद जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत जहां अपने पुत्र और साथी कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे और शाम 6 बजे दशहरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दौरा लगातार तेज। मिशन 25 को फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं की है और इसी के तहत प्रतिदिन उनका प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने का दौर लगातार जारी है। और अब सीएम अशोक गहलोत पोखरण के बाद जोधपुर पहुंचेंगे और यहां 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जोधपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और मिशन 25 को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रखा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको पोखरण जहां इस वक्त सीएम अशोक गहलोत की जनसभा चल रही है। अपने पति से छिपा के पैसा रखती थी, अड़िए बड़े काम आएगा, वो अड़े बड़े काम वाला पैसा निकला दिया मोदी जी ने। इनकी पोल खुल गई, 1,000, 5,000, 10,000 इकट्ठे थे, कोई कभी काम ले लेंगे। मोदी जी ने सबकी पोल खोल दी, वो पैसा सब लगवा दिया। पर कहा ब्लैक मनी खत्म करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट आते हैं पाकिस्तान है वो खत्म हो जाएंगे और नक्सलवाद खत्म हो जाएंगे। आप बताइए मुझे, ना नक्सलवादी कमर टूटी, ना फेक करेंसी आनी बंद हुई और ना आतंकवाद खत्म हुआ। और ब्लैक मनी थी, आप तो लगे रहे लाइनों में आगे, 300 से अधिक लोग मारे गए थे उस वक्त। और पैसे वाले थे जिनके पास नोट थे, वो बैंक के पीछे के दरवाजे से गए अटेले भर भर करके जमा करवाए पुराने नोट, नए नोट लेके बाहर निकल गए। ये हुआ है यहाँ पर। आप सोच सकते हैं इस प्रकार से जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके मोदी जी अब मुद्दा दर्ज बात नहीं करते, होना क्या चाहिए, समस्या क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, रोजगार कैसे मिलेगा नौजवानों को, किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी, बहस इस पर होनी चाहिए। मजदूरों को मजदूरी कैसे मिलेगी, महंगाई कैसे कम होगी, ये मुद्दे हैं देश के। जैसे पोखरण की बात आई, पानी पीने का मिले लोगों को, चारे के डिपो खुले, ये मुद्दे हैं। आप इन मुद्दों को हटा करके खाली धर्म के नाम पर राजनीति करो, आप देशभक्ति की बात करो, चुनाव आती राम मंदिर की बात करो, चुनाव जीतने के लिए सेना का दुरुपयोग करो, सेना के नाम लो। अरे सेना तो उनका पराक्रम शौर्य तो इतिहास में दर्ज है। जब इंदिरा गांधी के वक्त में बांग्लादेश उदय हुआ था तब भी हमारी सेनाओं
ने कितने लोगों को सरेंडर करवा दिया, 93,000 लोगों को बांग्लादेश के अंदर। किस प्रकार से पंजाब, खालिस्तान, खालिस्तान की बात करते थे, वहां के आतंकवादी खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी अपनी जान दे दी देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा। कभी मोदी जी ने कहा इंदिरा गांधी के योगदान को, कभी नहीं कहा। अरे मोदी जी, इंदिरा गांधी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश विजय मेरी विजय है। उन्होंने कहा देश के फौजों की विजय है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या आर्मी हो, बीएसएफ हो, या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसकी विजय है। पर जिस प्रकार से इन्होंने बातें करी वो सबके सामने है। इसलिए अब ये चुनाव जीतने के लिए मुद्दे की बात नहीं करते कि गरीब चाहता क्या है, देश का किसान क्या चाहता है, आम आदमी क्या चाहता है, नौजवान रोजगार की मांग कर रहा क्या होगा उसका, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उनमें हिम्मत है तो ये बहस आगे करें सबसे, और जनता फैसला करेगी कौन सी पार्टी को हमें कामयाब करना है, जीताना है। ये माई बाप बैठे हुए हैं, वो जनता होती है। तो जिस प्रकार से ज्ञान हटा की राजनीति हो रही है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। बाकी कांग्रेस ने और देश की आजादी के वक्त से बाद से मोदी जी कहते 70 साल में किया क्या कांग्रेस ने, मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी क्या नहीं किया। एक सोई नहीं बनती थी यहां पर, बिजली क्या होती लोगों को नहीं मालूम था, पोखरण क्या था 70 साल पहले गांव की तरह था, जैसलमेर क्या था, जोधपुर क्या था, जो बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, देखा हुआ जिनके हैं, देश क्या था, प्रदेश क्या था, कहां से कहां पहुंचा दिया विज्ञान में, तकनीकी के अंदर। उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, 40 साल पहले स्थापित हुई थी इसरो की, वैज्ञानिकों के लिए स्वच्छताएं थी, तब जाकर के छोड़े जा रहे हैं। कोई 5 साल की उपलब्धि नहीं मोदी जी की। आपको याद होगा चांद पे गए थे राकेश शर्मा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने पूछा उपग्रह के माध्यम से, राकेश शर्मा जी बताइए चांद से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, सारे यहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था उस वक्त। अब मोदी जी पूछो, वो भी आपके ऊपर भी थी क्या, वो आपके पास चलते तो आप कह देते कि राकेश शर्मा को मैंने सीखा कि भेजा तो ये बोलना, वो कुछ नहीं कह सकते। चुनाव जीते के लिए येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद, धन का पूरा उपयोग करो, दुरुपयोग करो, चुनाव जीतना मुझे। देश समझ चुका हूं चालों को, ज्यादा चुनाव हो गए, 2 बार हो गए चुनाव, 2 राउंड हो चुके देश में, ज्यादा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी जब सफाई हो रहा है वहां पर मैं कह सकता हूं, दावे के साथ भी कह सकता हूं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि आप लोग, विदाई यात्रा हो रही है, पहले विदाई हुई थी वसुंधरा जी की, आप लोगों ने की जमकर के करी। साले मोहम्मद का चुनाव जीतना मायने रखता है, मैं पोखरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने साले मोहम्मद को जिता करके इतिहास रचा है, दूसरी बार जिताया आप लोगों को, और राहुल गांधी जी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया है, कैबिनेट मंत्री समझो आज को। इसलिए जिस रूप में बातें आपके सामने हो रही है, हमें चिंता है कि घृणा का माहौल क्या कारण है, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल देश में बन गया, क्या कारण है। अरे भाई राहुल गांधी कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ में राजनीति करो, ये लोकतंत्र है। अपने अपनी बात को हमारे कोई अदालत किसी से नहीं है, ना आरएसएस है ना बीजेपी से, उनकी विचारधारा उनके पास रहे, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। अनेकता में एकता का मुल्क है, सभी धर्म सभी जाति के लोग साथ चले, अपनी अपनी बात कहें जनता को, और जनता फैसला करे हमें मंजूर है।
ये उनमें उनका विश्वास नहीं है, इसलिए वो भड़काने वाली बातें करते हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, सरकार हमारी बनी, हमने कर्जे माफ किए हैं, कॉपरेटिव बैंक के किए, भूमि विकास बैंक के किए हैं, और कई कर्जे बाकी अभी नेशनल बैंकों के हैं हमने। और सीएम अशोक गहलोत इस वक्त पोखरण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साले मोहम्मद को दूसरी बार चुनाव जीतने पर लोगों का आभार व्यक्त किया और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना ही नक्सलवाद खत्म हुआ और ना ही नोटबंदी से देश में कोई भी काला धन वापस आया। और साथ ही एक बहुत ही दिल से जुड़ी हुई बात को भी यहाँ मुख्यमंत्री ने जनता से शेयर किया और कहा कि 70 सालों में देश में कितना बदलाव आया है ये यहाँ बैठे बुजुर्गों से कोई पूछे। और साथ ही ये भी कहा कि जब राकेश शर्मा चांद पर पहुंचे थे और नीचे से जब पीएम ने पूछा कि चांद से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वसुंधरा की विदाई की और अब मोदी की विदाई की।